वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वील बी स्टार्टिंग अप विद इकोनॉमिक्स टुडे। सो हम पहले तो डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स का पेपर थ्योरेटिकल है कि प्रैक्टिकल है। तो इकोनॉमिक्स का पेपर आपका प्रैक्टिकल है, मतलब आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। और इकोनॉमिक्स अकेला नहीं आता, इकोनॉमिक्स के साथ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज क्लब होगा, ठीक है। तो आपके पास आएगा सबसे पहले इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसमें प्लस होगा बीसी के, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, राइट। दोनों प्लस होने के बाद टोटैलिटी में आपके पास ये 100 मार्क्स का पेपर बनेगा, राइट। इकोनॉमिक्स जिसमें से 60 मार्क्स कवर करेगी और बीसी के इसमें से 40 मार्क्स कवर करेगा, राइट। और आपका ये पूरे का पूरा पेपर एमसीक्यू है, थ्योरेटिकल नहीं है, राइट। तो आपने प्लस टू में जो भी इकोनॉमिक्स किया होगा वो आपने किया होगा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस उन्होंने उस हिसाब से कराया होगा कि ये वाला क्वेश्चन आता है उसका आपने ये लिखना है। तो हम इसको करेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आपको आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस एक को चूज करना है, राइट। तो कंसिडरिंग दैट मैं उस तरीके से कराती हूँ, मैं बड़े बड़े इलेबोरेटिव थ्योरेटिकल नोट्स नहीं देती, क्योंकि आपका सारा पेपर एमसीक्यू में, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, वील बी स्टार्टिंग अप विद यूनिट वन। यू कैन ओपन अप योर कॉपीज एंड वील बी स्टार्टिंग अप टूडे विद यूनिट नंबर वन। यूनिट नंबर वन एंड यूनिट नंबर वन अपना रहेगा इंट्रोडक्शन का। यूनिट नंबर वन अपना रहेगा इंट्रोडक्शन का। बेसिकली अगर बात करें इकोनॉमिक्स के ओरिजिन की, तो इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिन है वो आया है एक ग्रीक वर्ड के साथ। दैट ग्रीक वर्ड इज ओ आई के ओ एन ओ एम आई ए, ओइकोनोमिया। कई बार वो एमसीक्यू में ये सेम क्वेश्चन डालते हैं, वो इसके स्पेलिंग्स चेंज कर देते हैं, तो यू हैव टू फोकस टूवर्ड्स इसके स्पेलिंग्स, ठीक है। एमसीक्यू में ये जो चार ऑप्शंस होती है, इस ऑप्शन की हमेशा स्पेलिंग चेंज करके चार ऑप्शंस होती है, तो आपके पास इसके स्पेलिंग्स की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया ओरिजिन, जो इकोनॉमिक्स है उसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से है ओइकोनोमिया। और ओइकोनोमिया का हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब क्या होता है? हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में इसका मतलब होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, ठीक है। उसके बाद हम टिल 19th सेंचुरी, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वर्ड यूज नहीं होता था, ठीक है। बहुत बारी पास में पूछा गया है कि 19th सेंचुरी से पहले या तब तक क्या होता था, इकोनॉमिक्स वर्ड यूज नहीं होता था, रादर वर्ड यूज होता था पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वॉज कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी, इट वॉज कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। राइट, उसके बाद शुरू के दिनों में देयर वॉज अ बुक नेम्ड, ये एक तरीके की हिस्ट्री चल रही है अभी, देयर वॉज अ बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये किताब आई थी 1776 में, मेरे ख्याल से हम में से कोई भी पैदा नहीं हुआ था, एलियन हो तो कोई बात नहीं, वैसे नॉर्मल हम हैं तो हम नहीं पैदा हुएंगे आई गेस, ठीक है। ये उस समय में एक किताब आई थी और इस किताब को एब्रीविएट किया जाता था
इट वॉज एब्रीविएटेड एज द वेल्थ ऑफ नेशंस। इट वॉज एब्रीविएटेड एज द वेल्थ ऑफ नेशंस एंड दिस बुक वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ। इकोनॉमिस्ट नेम एडम स्मिथ। तो 19 सेंचुरी तक पॉलिटिकल इकोनॉमी वर्ड चलता रहा, उसके बाद ये देखा गया कि इकोनॉमिक्स वर्ड की वर्तो कैसे शुरू हुई। वो कहते हैं एडम स्मिथ वॉज द इकोनॉमिस्ट और जो किताब उसने लिखी दैट वॉज कॉल्ड द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि शॉर्ट फॉर्म है बुक का वर्जन। एक्चुअल में इलैबोरेटिव वे में उस बुक का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है कि एडम स्मिथ ने जिस वर्ड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी दैट वॉज वेल्थ, मतलब ही वॉज मनी माइंडेड। तो यहां से वो हिट द ट्रायल डाल देते हैं कि उसके लिए फोकस क्या था। उसके लिए ये जरूरी नहीं था इंसान काम करे, उसके लिए ये जरूरी नहीं था कि हर किसी के पास काम होना चाहिए या कुछ ऐसा। वो कहता है कोई भी चीज जिसको आप पैसे में तोल सकते हो, खरीदोगे तो पैसा जाएगा, काम करोगे तो पैसा आएगा। अगर हर जगह मनी इन्वॉल्व हो रही है तो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, अगर मनी इन्वॉल्व नहीं हो रही तो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। आपने प्लस टू में पढ़ा होगा ना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जब एक मदर अपने बच्चे को घर पे पढ़ाती है, पैसे नहीं मिलते बट पढ़ाती है। एडम स्मिथ के हिसाब से चले तो वो इकोनॉमिक्स है ही नहीं, ठीक है ना। पुराने टाइम में एडम स्मिथ के हिसाब से चले तो वो कहता है ये इकोनॉमिक्स नहीं होता, इकोनॉमिक्स इज ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाई वेल्थ आना जरूरी है। ये हम उसकी बात कर रहे हैं, ये हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोल रहे, ये उसने जो कंसिडर किया हम वो डिस्कस कर रहे हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन इसके बावजूद भी कि इकोनॉमिक्स पुराने समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय में इसका नाम बहुत फेमस हुआ था। आज भी आप किताबों में एडम स्मिथ का नाम पढ़ोगे। क्यों हुआ था? क्योंकि ये कंसिडर किया गया था ये फर्स्ट मॉडर्न वर्क है। इससे पहले सारी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थी, ये फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिडर किया गया। दिस वॉज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, तो ये थोड़ी राम कहानी थी। आगे चलते हुए सपोज करते हैं, वी टेक एन एग्जांपल। एज एन एग्जांपल सपोज करो आपको 5,000 रुपीज मिले, यू गॉट 5,000 रुपीज एज बर्थडे गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू हुआ, और हैप्पी बर्थडे टू यू में दादा दादी ने 5,000 रुपीज दिए, राइट। अब इस 5,000 रुपीज के दिमाग में चलना शुरू होगा क्या करूंगा इस 5,000 रुपए का, राइट। ऐसा ही होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, क्या करूंगा इस 5,000 का। आप अपने माइंड में थॉट्स लेके आते हो, आपके सामने ऑप्शंस की लिस्ट खुल जाती है, आपके सेल्फ ऑप्शंस की, ठीक है। आपके उन सेल्फ ऑप्शंस को कंसिडर करते हुए मान लो फर्स्ट ऑप्शन है कि मैं अपने फ्रेंड्स को एक पिज्जा पार्टी दूंगा, पैन पिज्जा ऑर्डर करूंगा, 79 या 80 रुपीज का आएगा, 5,000 में पार्टी हो जाएगी। अगर लार्ज पिज्जा ऑर्डर करूंगा तो पार्टी पूरी नहीं हो पाएगी, 900 रुपए का आएगा। तो एक पिज्जा ही 900 का आएगा, कितने मंगवाओगे, पार्टी पूरी नहीं होगी। तो उसने दिमाग लगाया छोटे पिज्जा मंगवाऊंगा, 5,000 में सर जाएगा, ठीक है। दूसरा थॉट वो अपने माइंड में लेके आ रहा है, मैं चॉकलेट्स लूंगा और मान लो उस चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा गरीबों, ठीक है। तीसरा थॉट उसके माइंड में आ रहा है, व्हाई नॉट ऑप्ट फॉर बिग मोबाइल रिचार्ज, साल 2 साल का इकट्ठा इंटरनेट पैक डलवा लेता हूं, साल 2 साल का इकट्ठा टॉक टाइम डलवा लेता हूं, पंगा खत्म। 5,000 भी सही है, सबसे ज्यादा यूज तो फोन ही होना होता है। और फोर्थ ऑप्शन वो कंसिडर करता है, कुछ भी नहीं करूंगा, सेव करूंगा। 4 ऑप्शन है, ये उसकी ऑप्शंस है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट भी हो सकती है, मैं टॉप खरीदूंगा, मैं टी शर्ट खरीदूंगा, या मैं पेट्रोल डलवाऊंगा, या मैं मम्मा को थोड़े से दे दूंगा और थोड़े फूड डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, राइट। तो जो ये 5,000 रुपीज आपके पास है उसके आपके पास 4 ऑप्शंस है। नाउ द पॉइंट इज, अगर तुम इतने सारे ऑप्शंस है, यहां से मेरे को क्या पता लग रहा है, मैंने तुम्हें ये एग्जाम्पल क्यों लिखवाया, इस एग्जाम्पल को पढ़ के पहला पॉइंट मेरे माइंड में ये आता है
कि मेरे पास 5,000 करने के स्पेंड करने के ऑप्शंस सो मेनी है। पहला पॉइंट इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ये निकलता है, मेरे पास 5,000 रुपीज स्पेंड करने के ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे पास जो मींस है वो लिमिटेड है। ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से ऑप्शंस कितनी है? 4। मींस कितने हैं? 5,000 रुपीज एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद वो कहता है अब मेरे को 5,000 रुपीज स्पेंड करने हैं, आउट ऑफ टेकिंग 4 ऑफ देम इनटू कंसिडरेशन, मैं देखूंगा चारों में से मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है, राइट। तो इट विल बी, आई विल सैटिस्फाई अर्जेंट रिक्वायरमेंट या अर्जेंट नीड, अर्जेंट ऑप्शन। मान लो मैं अर्जेंट ऑप्शन ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से थर्ड ऑप्शन ले लेती हूँ, यानी कि बेस्ट है मोबाइल रिचार्ज करवा लेती हूँ, ठीक है। अगर अब मैं इस ऑप्शन को चूज कर रही हूं तो मुझे ये वाली ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन को लेट इट गो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आई हैव टू लीव, वाई? मेरे पास 5,000 रुपए है, मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसका मतलब यहां से मुझे ये पता चला कि मैंने ऑप्ट किया थर्ड ऑप्शन को और मैंने ड्रॉप किया फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है जी। यहां से आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, हमारे पास क्या पॉइंट आएगा? हमारे पास यहां से निकलेंगे फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ऊपर सिर्फ एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल के हमारे पास निकलेंगे फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फंडामेंटल फैक्ट्स को हम, फंडामेंटल फैक्ट्स को हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। फंडामेंटल फैक्ट्स को हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। यहां से अपने पास क्या आएगा? अपने पास दो फंडामेंटल्स आएंगे, वन एंड टू। सिंस इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर तो हम इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में करेंगे, राइट। ऊपर वाले पॉइंट से आया, इंसानों की जरूरतें अनलिमिटेड हैं, यू ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। इतनी सारी ऑप्शंस उसने अपने दिमाग में रख ली तो उसकी वांट्स तो अनलिमिटेड है, और ऊपर वाले एग्जाम्पल से पता चला मीन्स ऑफ सैटिस्फाइंग, मीन्स ऑफ सैटिस्फाइंग वॉन्ट्स आर लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है रिलेटिवली स्केयर्स। जितना चाहिए सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसके कंपैरिजन में हमारे पास जरिया कम है। जितना हमें चाहिए अपनी जरूरतों को, हमारी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए, उसके कंपैरिजन में हमारे पास सोर्सेज या जरिया कम है, दैट इज रिलेटिवली स्केयर्स, ठीक है। तो पेपर में काफी बार ही पूछा जा चुका है, मीन्स ऑफ सैटिस्फाइंग वांट्स आर लिमिटेड कैन बी कोरिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। चार ऑप्शंस दी होती है, आंसर इज रिलेटिवली स्केयर्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अभी हम फिलोसफी ही कर रहे हैं तो फिलोसफी थोड़ी सी बोरिंग है, दैट्स फाइन। आगे जाके प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो जाएगा, अभी बेसिक्स है तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, राइट। आगे चलते हैं, आप नोट करोगे पहले, दस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हाउ इफेक्टिवली, हाउ इफेक्टिवली एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी
एंड इंडिविजुअल एंड सोसाइटी यूजेस लिमिटेड रिसोर्सेस टू सैटिस्फाई इनफाइनाइट वॉन्ट्स टू सैटिस्फाई इनफाइनाइट वॉन्ट्स अब आप प्रैक्टिकली इस डेफिनेशन को देखो, उन्होंने आपको क्या बोला, ध्यान से देखना एक मिनट। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ हाउ इफेक्टिवली, कितने अच्छे तरीके से एन इंडिविजुअल, एक इंसान या पूरी की पूरी सोसाइटी यूजेस लिमिटेड रिसोर्सेज। उन्होंने ये तो ये डेफिनेशन के साथ पुष्टा कर दिया कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही रहने वाले हैं। लिमिटेड मीन्स स्केयर्स। इफ यू रीड द डेफिनेशन, आपको पढ़ के पता लगेगा कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये डेफिनेशन बनाई है, जो होप ही नहीं कर रहे कि रिसोर्सेज बढ़ भी तो सकते हैं। अगर हम हर वक्त यही सोचते रहते कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ वाटर मिल्स टर्बाइन से ही बनेगी, तो हम और जरिए कभी ढूंढ ही ना पाते। आज हम सुक्रोज से भी इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं, राइट? तो इसका मतलब है ये किसी ना किसी नेगेटिव इकोनॉमिस्ट, जिसकी थिंकिंग बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी, उसने ये डेफिनेशन निकाल दी कि इकोनॉमिक्स का मतलब है कि एक इंसान उन स्केयर्स रिसोर्स को कितना बेस्ट तरीके से यूज करता है। ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड मैं इसको नैरो क्यों बोल रही हूँ। यहां से मेरे पास क्या पॉइंट आया, यहां से मैं तुम्हें ये बताऊंगी दैट दिस इज द नैरो फोकस, दिस इज द नैरो फोकस ऑन यूजिंग स्केयर्स रिसोर्सेस। तो ये डेफिनेशन मुझे ये बताती है कि ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है, बिकॉज इसमें सिर्फ ये मेंशन्ड है कि आपके रिसोर्सेस क्या हैं, स्केयर्स। ठीक है, अब प्रैक्टिकली बात करो, क्या हमारे देश में हर चीज अबंडेंस में है? प्रैक्टिकली बात करो, नहीं। मतलब स्केयर्स में है, मतलब कहीं ना कहीं ठीक भी है। तो इस पर इफ यू सी, स्केयर्स है ये श्योर, बट ऐसा तो नहीं है कि हम उस स्केयर्सिटी को कभी बढ़ा ही नहीं सकते, दूर नहीं कर सकते, या हम उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं ढूंढ सकते, हमेशा ढूंढा जाता है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकती हूं कि डिस्पाइट बीइंग करेक्ट, इट इज इनकम्प्लीट। मान लेते हैं कि ऊपर लिखी डेफिनेशन नैरो है, मैंने अभी क्या बोला, ऊपर लिखी डेफिनेशन नैरो है, मान लिया, लेकिन कहीं ना कहीं करेक्ट भी है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं, स्केयर्स रिसोर्सेज हैं, बट ये इनकम्प्लीट भी है, क्योंकि ये भी बताना चाहिए था कि हम उन स्केयर्स रिसोर्सेज को कैसे और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे। तो अब मैं तुमसे बात कर रही हूं, मैंने बोला ये डेफिनेशन नेगेटिव है, करेक्ट होने के बाद इनकम्प्लीट है। नाउ योर क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसा क्यों है? पहला पॉइंट, इट ब्रिंग्स टू आवर माइंड, इट ब्रिंग्स टू आवर माइंड पिक्चर ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेस। ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि ये डेफिनेशन में स्केयर्स वर्ड यूज है, तो वो कहते हैं रिसोर्सेज हमेशा फिक्स्ड ही रहेंगे, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ठीक है, वॉट इज द सेकेंड रीजन वाई वी से, वो कहते हैं इट ब्रिंग्स टू आवर माइंड पिक्चर ऑफ फिक्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसका मतलब है आपने ये कंफर्मिटी दे दी कि अगर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाते हो, अगर वो 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है तो हर बार 1000 ही देगा। मतलब आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख रहे कि कई बार इलेक्ट्रिसिटी हम बढ़ा भी सकते हैं कुछ करके। तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये था, एक आपको लगा रिसोर्सेज फिक्स रहेंगे और वो स्केयर्स हो जाएंगे, दूसरा आपको लगा हमारी मशीनरी की कैपेसिटी फिक्स है, उससे ज्यादा तो वो कभी प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट डिसाइड्स स्पेसिफिक गुड्स बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेस। और आपने ये भी ऐलान कर दिया अपनी डेफिनेशन के साथ कि रिसोर्सेज उतने ही रहेंगे, तुमने जो प्रोड्यूस करना है
तुमने जो प्रोड्यूस करना है स्पेसिफिक गुड्स, तुम उन्हीं गिवन रिसोर्सेस से करोगे, तुम्हारे पास कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव, अ नैरो डेफिनेशन। ठीक है, मान लिया नैरो डेफिनेशन है। अगर आप बोल रहे हो कि ये इन रीजंस की वजह से नैरो डेफिनेशन है, रियलिटी क्या है? व्हाट इज रियलिटी? रियलिटी इज फर्स्ट पॉइंट प्रैक्टिकली अगर आप देखो, नॉट मोदी सरकारी, उससे पहले भी डेवलपमेंट्स होती आ रही है, तभी इंडिया यहां तक पहुंचा है। तो हम बोलते हैं रियलिटी जिंदगी की ये है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है और बढ़ भी रही है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग ट्रिमेंडियसली। भगवान की कृपा से हमारी पॉपुलेशन पे तो कंट्रोल नहीं होता, ठीक है ना, मतलब हमारी पॉपुलेशन में जल्दी ही हम चाइना के आसपास पहुंच ही जाएंगे, पहुंचने ही वाले हैं। तो अगर आप सोचो, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी ना रही होती, तो जो हर साल कुछ परसेंटेज से हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाती, वो पूरी कहां से पड़ती फिर? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिसोर्सेस तो ला रहे हैं ना उसको पूरा करने के लिए। दूसरा पॉइंट, पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो लेबर फोर्स भी तो बढ़ती है, उतने बंदे भी तो बढ़ते हैं या बंदियां भी तो बढ़ती हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, लेबर फोर्स इंक्रीज करता है। लेबर फोर्स इंक्रीज अगर करेगा, आपके सामने न्यू रिसोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल भी तो निकलते हैं। पहले आप कागज सिर्फ पेड़ की लकड़ी से बनाते थे, आज आप कागज गन्ने के लेफ्ट ओवर पल्प से भी बनाते हो, ठीक है ना। बोलते हैं ना इको ग्रीन, इको फ्रेंडली नोटबुक्स। तो पॉपुलेशन बढ़ी, लेबर फोर्स बढ़ा, न्यू रिसोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ा, ठीक है। साथ के साथ हम तो अब मशीनरीज भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो न्यू और बेटर प्लांट्स हमारे पास आए, न्यू एंड बेटर प्लांट्स हमारे पास आए, वो भी बड़े, जिनकी बदौलत फैक्ट्रीज डेवलप हुई। वी हैव डेवलप्ड फैक्ट्रीज, वी हैव डेवलप्ड फैक्ट्रीज। मोर ओवर पहले के कंपैरेटिवली हमारा एजुकेशन लेवल बहुत इंक्रीज किया, तो वी विल से एजुकेशन लेवल बढ़ा, एजुकेशन लेवल बढ़ा, जिसकी वजह से सिर्फ अब लेबर नहीं बढ़ा, जो पढ़ा लिखा होता है वो स्किल्ड लेबर है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो अनस्किल्ड लेबर होता है, ठीक है। एजुकेशन लेवल बढ़ने की वजह से स्किल्ड लेबर बढ़ा, ठीक है, एंड सो ऑन। अब आप बताओ, आपने एक धकियानूसी डेफिनेशन दे दी कि रिसोर्सेस स्केयर्स हैं, और प्रैक्टिकलिटी में अगर हम अपनी कंट्री को कंसिडर करें तो यू कैन सी दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट एवरी सिंगल डे। तो इसीलिए हमने क्लियर कर दिया कि ऊपर लिखी डेफिनेशन कहीं ना कहीं करेक्ट है कि स्केयर्स रिसोर्सेज है, बट इनकम्प्लीट है, उन्होंने उसका आधा वर्जन नहीं दिया, जबकि रियलिटी ये है, ठीक है जी। आगे चलते हुए कंसिडर हो गया, रियलिटी ये है, लेकिन रियलिटी पता होने के बाद भी इस डेफिनेशन में बहुत सारी डाउटफुल सिचुएशंस है। नाउ व्हाट इज डाउटफुल? डाउटफुल इज, व्हाट इज डाउटफुल? डाउटफुल ये है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी आप बढ़ाने की बात कर रहे हो, या आप स्किल्ड लेबर की इनकम की बात कर रहे हो, इट हैज नॉट बीन स्मूथ। इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं एक तरफ आप बोल रहे हो प्रोडक्शन कैपेसिटी फिक्स्ड है, उसको हमने गलत करके बोला रियलिटी ये है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, वो कहते हैं उसमें फिर डाउटफुल क्या है? डाउटफुल ये है कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, क्या हर बार उतनी ही, या उससे ज्यादा या उससे कम? दैट इज नॉट स्मूथ, एक बार ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता, ठीक है। आगे नेक्स्ट, वो कहते कई बारी सेम टेक्निक के साथ आउटपुट इंक्रीज करती है, कई बारी सेम टेक्निक के साथ आउटपुट डिक्रीज करती है, कई बारी सेम चीज के साथ आउटपुट आपकी स्टेबल रहती है, होता है ना। इट इज वेरी कॉमन, कई बारी आपका प्रोडक्ट या आपकी मशीनरी की स्पीडिंग तेज होती है, वही कपड़ा कई बारी बहुत अच्छा निकलता है, कई बारी उसी मशीन से कपड़ा डिफेक्टिव निकल आता है, राइट। आगे नेक्स्ट पॉइंट इज इनसफिशिएंट डिमांड पीरियड्स, इनसफिशिएंट डिमांड पीरियड्स। अब ये इनसफिशिएंट डिमांड पीरियड्स का क्या मतलब है? इनसफिशिएंट डिमांड पीरियड्स का मतलब है
कई बारी फैक्ट्रीज आइडल रहती हैं, कोरोना का एग्जाम्पल ले लो, काम नहीं है, ठीक है, जिसकी बदौलत वर्कर्स आइडल हो जाते हैं। कोरोना ने शुरू के दिनों में बहुत बुरा हाल किया, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कहां तक डाल दिया। यस, तो फैक्ट्रीज आइडल, वर्कर्स आइडल, प्रोडक्टिव रिसोर्सेस भी तो आइडल हो जाएंगे। फैक्ट्रियां ही चलेंगी तो रॉ मटेरियल कौन खरीदेगा? तो इन सब चीजों को देखते हुए फाइनली हमारे माइंड में क्या आता है? ठीक है, यहां तक नोट करो, टेक 1 मिनट, स्टार्टिंग से डेफिनेशन रीड करके उसकी रियलिटी फाइनल, उसका डाउटफुल सारा कुछ मुझे यहां तक खत्म करके एक बारी फटाफट से रीड करो, तब मैं तुम्हारे को फाइनली बताती हूँ कि अब हम क्या लिखेंगे। डन, लिखेंगे आगे। फाइनली इकोनॉमिक्स देयरफॉर कंसर्न्स इटसेल्फ, इकोनॉमिक्स देयरफॉर कंसर्न्स इटसेल्फ नॉट जस्ट विद द क्रूशियल कंसर्न्स ऑफ हाउ अ नेशन एलोकेट्स इट्स स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस टू वेरियस यूजेस टू Various uses, comma, it also deals with process by which it also deals with process by which the productive capacity By which the productive capacity of these resources are increased the productive capacity of these resources are increased and with the fact Which in the past which in the past have led to sharp fluctuations In the rate of utilization, in the rate of utilization of these resources.
यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेस। वो कह रहे हैं पढ़ने के बाद आपको ये पता लगा कि ऊपर उसने बोला था सिर्फ स्केयर्स रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को ही देखो हैंडल करो, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं इकोनॉमिक्स नॉट जस्ट क्रूशियल कंसर्न्स, यानी कि आपके स्केयर्स रिसोर्सेज हैं वो एक क्रूशियल कंसर्न है, आपको उसके साथ साथ ये भी देखना है कि आप अपने उन स्केयर्स रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करोगे डिफरेंट यूजेज में, ठीक है। प्लस स्केयर्स ही नहीं रहने वाले, आप अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज भी कर सकते हो। ऊपर वाली डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं दिया था, वो हमने सारा रिजल्ट निकाल के बोला कि इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकली ये है वो नहीं है। तो आप अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी रिसोर्सेस को इंक्रीज भी कर सकते हो। वो फैक्टर्स जिन्होंने पास्ट में आपको फ्लक्चुएशन शार्प करवाई है विल बी द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, मतलब वही फैक्टर्स पास्ट में फ्लक्चुएशन ऊंची भी करवा सकते हैं नीचे भी करवा सकते हैं, हो सकता है रिसोर्सेज और बेटर यूटिलाइज हो सकता है कम बेटर यूटिलाइज हो। तो ऐसी कोई सर्टनिटी नहीं है कि इकोनॉमिक्स एक बार ग्राफ है जो सेट है स्केयर्स है और वही रहेगा, इट इज लाइक समथिंग विच कैन बी इंक्रीज डिक्रीज। तो ट्रेंड्स फॉलो होते रहते हैं, बूम रिसेशन डिप्रेशन हाइट्स इस अकॉर्डिंग, ठीक है जी, क्लियर है ये, ठीक है। तो आगे लिखते हैं, एज अ रिजल्ट क्या आएगा, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैनॉट इंश्योर The study of economics cannot ensure that all problems will be approximately tackled comma but without doubt it would enable to examine a problem in its right perspective and would help in discovering suitable measures to deal with the same. तो कहते हैं एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक्स ये नहीं आपको बोलेगा कि स्केयर्स रिसोर्सेज है हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ऑल ऑफ अ सडन स्केयर्स रिसोर्स अनस्केयर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं इकोनॉमिक्स आपको श्योरिटी नहीं दिलवाता कि सारी प्रॉब्लम्स टैकल्ड हो जाएंगी, बट इकोनॉमिक्स आपको ये बोलता है बट विदाउट डाउट हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम देखें कि प्रॉब्लम क्या है, यानी कि स्केयर्स रिसोर्स क्या है, वो कितना स्केयर्स है, क्यों स्केयर्स है, प्रॉब्लम को हम देखेंगे राइट पर्सपेक्टिव यूज करते हुए, सूटेबल मेजर्स को यूज करते हुए उस प्रॉब्लम से हम डील करने की पूरी कोशिश करेंगे। मींस यू विल नॉट स्टिक दैट वी हैव स्केयर्स रिसोर्सेज, वी विल ट्राई टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम एंड वी विल सी कि उस स्केयर्स रिसोर्स को हम कैसे अनस्केयर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सके। हम ये नहीं कह रहे कि हम कन्वर्ट कर देंगे, तो इसीलिए वहां पे वर्ड यूज है अप्रोक्सीमेटली टैकल्ड, ऐसा नहीं लिखा कि इट विल बी टैकल्ड, देयर इज अ डिफरेंस। टैकल का मतलब है हम ठीक कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली टैकल्ड का मतलब है हम ठीक करने की कोशिश करें। Am I clear? तो फटाफट से जो लास्ट दो डेफिनेशंस लिखे उसको एक बारी रीड करो। आई एम गिविंग यू टू मिनट्स, लास्ट दो डेफिनेशंस को फटाफट से एक बारी रीड करो।
इज दिस क्लियर? कुछ पूछना है, कोई डाउट है? आगे चलते हैं, बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स की। ये जो ऊपर किया ये क्या था, ये सब बेसिक्स था। बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, और डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को हम फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वी विल से इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, सेकेंड इज इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ मटीरियल वेलबींग, थर्ड इज इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। फोर्थ इज इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चार डेफिनेशंस है हमारे पास, साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ मटीरियल वेलबींग, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग एंड साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साइंस ऑफ वेल्थ अभी मैंने करवाया था, वेल्थ पैसा, पैसा एडम स्मिथ, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ बोलता था एडम स्मिथ। इसका जो एमसीक्यू आता है ज्यादातर डेफिनेशन का लिंक इकोनॉमिस्ट के साथ होता है कि ये वाली डेफिनेशन कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी है, ठीक है? साइंस ऑफ वेलबींग दिया अल्फ्रेड मार्शल ने। साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग दिया प्रोफेसर रॉबिन्स ने। और साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया सैमुएलसन ने। तो फोर डेफिनेशंस, फोर डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स। साइंस ऑफ वेल्थ बाय एडम स्मिथ, साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग बाय अल्फ्रेड मार्शल, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग बाय रॉबिन्स एंड साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय सैमुएलसन, ठीक है? अब हम इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे क्योंकि इसका कई बारी डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। आपको डेफिनेशन लिखनी नहीं आएगी, चाहे आप तुक्का मार के किसी भी एक वर्ड से डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करो कि ये किसकी डेफिनेशन है। बस उन्होंने डेफिनेशन दिया होगा और नीचे चार इकोनॉमिस्ट के नाम दिए होंगे, वो बोलेंगे कि ये वाली डेफिनेशन किस इकोनॉमिस्ट ने दी, ठीक है? तो लर्न करने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन को। एडम स्मिथ ने क्या बोला, ही सेड इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी Economics is an inquiry into the nature, and causes of wealth of nation. मार्शल की लिखेंगे, मैं अभी एक एक करके सारी एक्सप्लेन करूंगी। मार्शल में लिखेंगे इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। What about Robbins? Robbins कहता है जी, economics is science which studies human behavior
studies human behavior or a relationship between or a relationship between ends and scarce means ends and scarce means which have alternative uses. Which have alternative uses. और सैमुएलसन जी, सैमुएलसन कहता है जी, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूजेस विद और विदाउट यूज ऑफ मनी with or without use of money to use scarce resources not only to satisfy present wants not only to satisfy present wants but also look forward towards the need of future. नीड ऑफ फ्यूचर, ये चार डेफिनेशंस हैं। अगर आप एडम स्मिथ को देखो, एडम स्मिथ बोल रहा है, याद है पैसा पैसा वेल्थ, वो कहता है इकोनॉमिक्स है इंक्वायर करो, देखो कौन से जरिया है जो इकोनॉमिक्स कहलाएगा, जो वेल्थ का कॉज बनेगा, एनीथिंग दैट इंक्वायर्स और क्रिएट्स अ जरिया ऑफ वेल्थ इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ के, एडम स्मिथ की डेफिनेशन पढ़ के मेरे को क्या पता लगा, मेरे को ये पता लगा कि ये बंदा प्राइमरी वेटेज दे रहा है किस चीज को, वेल्थ को, और ये सेकेंडरी वेटेज दे रहा है किसको, वेल्थ कौन कमाएगा, ह्यूमन यानी कि मैनकाइंड। यहां से क्वेश्चन निकलता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी वेल्थ किसका था, फर्स्ट प्रायोरिटी मैनकाइंड किसका था। ठीक है, आगे चलते हुए सेकंड डेफिनेशन पे चलते हैं, सेकंड इज मार्शल की। अगर आप ध्यान से देखो, वो पैसे की बात नहीं कर रहा, वो मैनकाइंड की बात कर रहा है, वो कहता है इंसानियत। ही सेज इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एक नॉर्मल कॉमन मैन जब वो बिजनेस करेगा, बिजनेस करते वक्त उसके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आती है नहीं आती है, उन सबको देखते हुए हम इकोनॉमिक्स वर्ड कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये मनी माइंडेड नहीं था, ही वॉज नॉट मनी माइंडेड एज फार एज मार्शल इज कंसर्न। तो मार्शल ने प्राइमरी वेटेज किसको दी, आंसर इज मार्शल ने प्राइमरी वेटेज दी मैनकाइंड को, उसने सेकेंडरी वेटेज किसको दी, वेल्थ को। सामने सामने लिखिएगा, ठीक है। आगे रॉबिन्स कहता है, इफ यू सी डेफिनेशन ऑफ रॉबिन्स, ही सेज इकोनॉमिक्स है एक ह्यूमन बीइंग जब ये देखता है कि स्केयर्स रिसोर्सेज है, जैसे कि 5000 रुपीज थे, उनके अल्टरनेटिव यूजेस है, पार्टी कर लूं, सेव कर लूं, पिज्जा ले लूं, चॉकलेट्स ले लूं, अल्टरनेटिव यूजेस है, मैं अपने उस स्केयर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज करूं इन अल्टरनेटिव सिचुएशंस में, ऑल्टरनेटिव यूजेस में। तो आपको कहीं ना कहीं चॉइस करना पड़ेगा, यू हैव टू चूज आउट ऑफ मेनी, यू हैव टू चूज वन और टू। तो ये इसको क्या बोलते हैं, चॉइस मेकिंग। ठीक है, तो इसका मतलब उसने बोल दिया यहाँ पे, रॉबिन्स क्या बोलता है, रॉबिन्स कहता है फर्स्ट प्रायोरिटी प्राइमरी वेटेज ऑफ चॉइस मेकिंग।
एंड सेकेंडरी वेटेजेस ऑफ ह्यूमंस, चॉइस करना आउट ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज विद योर लिमिटेड मींस करेगा कौन? ह्यूमंस. तो ह्यूमंस विल बी गिवन सेकेंड प्रायोरिटी, चॉइस मेकिंग विल बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी. ठीक है जी, आगे मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन. फोर्थ वन क्या है? साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब ये किसने दिया? सैमुएलसन ने. ध्यान से देखना, वो कहता इकोनॉमिक्स सिर्फ ना मैन की स्टडी नहीं है, सिर्फ ह्यूमंस की बात मत करो, ह्यूमन एज वेल एज सोसाइटी. एक इंसान कुछ नहीं कर सकता. आपने पढ़ा होगा ना इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व. तो मार्केट वर्ड कहां से आता है? सोसाइटी से. ठीक है ना, तो वो बोलता है मैन भी होना चाहिए, सोसाइटी भी होनी चाहिए, प्लस सिर्फ पैसा पैसा मत करो. वो चूज करें विद मनी या विदाउट मनी. पैसा यूज हो रहा है तब भी, पैसा नहीं यूज हो रहा तब भी. ठीक है, फिर वो बोलता है सिर्फ स्केयर्स रिसोर्स वर्ड यूज मत करो, और ये मत बोलो कि स्केयर्स रिसोर्सेज से प्रेजेंट वांट सेटिस्फाई करनी है. अगर 5,000 रुपया पूरे का पूरा अभी खर्च दोगे, व्हाट नेक्स्ट? ही सेज फ्यूचर का भी तो सोचो. तो बाकी इकोनॉमिस्ट कहते थे 5,000 है पूरा खर्च दो, सोचो कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करना है. सैमुएलसन कहता है 5,000 पूरा कभी नहीं खर्चना. एज एन एग्जाम्पल बता रही हूँ, वो कहता अपने स्केयर्स रिसोर्सेज को कभी भी पूरा खत्म नहीं करना, उन स्केयर्स रिसोर्सेज को हमेशा फ्यूचर के लिए रखना है. That is why Samuelson as an economist is considered to be economist of growth and development. Am I clear? तो इसने first priority किसको दी है? Growth and development को. He gave primary weightage to growth and development. And he gave second priority to human and society. He gave third priority to मनी. अब आपको कई बार पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया पैसा पैसा, उसके बाद मार्शल आ गया. वो आपसे पूछ सकते हैं कि एडम स्मिथ की थ्योरी को किसने क्रिटिसाइज किया? जो जिसके बाद आता गया उसने अपने प्रीडिसेसर को क्रिटिसाइज किया. इसका मतलब है एल्फ्रेड मार्शल ने इसको क्रिटिसाइज किया, रॉबिन्स ने मार्शल को क्रिटिसाइज किया, सैमुएलसन ने रॉबिन्स को क्रिटिसाइज किया, और सैमुएलसन को खुद अभी क्रिटिसाइज नहीं किया गया. समझ आया? जो नया आता है उसको पिछले वाले में नुक्स नजर आता है. सेम कॉन्सेप्ट. एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट वन, वो पहला था, तो वो तो किसी को क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता था, बिकॉज उसकी मॉडर्न बुक आई, हमने फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट पेज पे किया आपके, राइट? तो एडम स्मिथ को उसके नेक्स्ट ने क्रिटिसाइज किया मार्शल ने, मार्शल को उसके नेक्स्ट ने क्रिटिसाइज किया रॉबिन्स ने, रॉबिन्स को उसके नेक्स्ट ने क्रिटिसाइज किया सैमुएलसन ने, एंड सैमुएलसन हैज नॉट येट बीन क्रिटिसाइज्ड. इज दैट क्लियर? यहाँ से ट्रू एंड फॉल्स भी निकल सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी निकलता है. ठीक है, तो ये आज बेसिक्स था. आज मैं इससे ज्यादा नहीं कराऊंगी, इतना मुझे झेल लिया, इतना ही काफी है. इतना करो, पढ़ के आना, क्योंकि थोड़ी आदत है कि मैं नेक्स्ट डे पिछला पूछती हूँ, तो फिर डांटती नहीं हूँ पर लपेट लपेट के बेइज्जती कर देती हूँ. ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वील कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम हेयर टुमारो.